ये देखिए दोस्तों, ले आए हैं आपको हम जन्नत में। राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और एक नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं रेणुकूट के बस स्टॉप के पास और मेरा छोटा बेटा कब से मोबाइल मांग रहा है, तो बेटा ब्लॉगिंग करने के बाद आपको मिलेगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं गाड़ी में कौन कौन है। इसी गाड़ी से हम निकलने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं आपको हम बाद में बताएंगे। अब मेरी हम सफ़र से मिलिए। और इधर हमारी छोटी बिटिया रानी बैठी हुई है, भांजी बैठी हुई है, और इधर मिलवाते हैं आपको हमारी समधन जी। समधन जी हैं ये, और छोटी बहन है मेरी, बिटिया रानी है, बउआ जी हैं, सभी बैठे हुए हैं। तो चाय पीने के बाद आपको हम बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई साहब प्लीज़ एक चाय दीजिएगा, चुक्कड़ वाली, थैंक यू। चाय यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, मैं जब भी आता हूँ चाय पीता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, हम चाय पी के निकल चुके हैं, अब कहाँ जा रहे हैं वो हम बताएंगे थोड़ी देर में आपको। फिलहाल मेरी हमसफर सो गई है, बेटा जग रहा है, ये मेरी बहन है, और किनारे में हमारी समधन जी हैं। हाँ हाँ, अब पीछे सभी बैठे हुए हैं, आपको बाद में बताएंगे कौन कौन है साथ में, ठीक है ना। अब हम बता दें आपको कि हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, जहाँ हमारा गांव है। हम गांव नहीं जा रहे हैं, हमारे घर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है विंध्याचल माता मंदिर, तो वहीं जा रहे हैं। दोस्तों, ये है डाला में स्थित वैष्णो माता मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है, दर्शन कर लें आप, हम तो कर लिए हैं, जय माता दी। चलिए चलते हैं आगे की ओर, और यहाँ पे हम सारा डीजल डलवा देते हैं गाड़ी में, उसके बाद आगे निकलते हैं। ले भाई, आगे में रावर्सगंज है, वहाँ का पहाड़ दिखाएंगे ना तो आपको लगेगा हम शिमला में आ गए हैं, इतना खतरनाक और इतना प्यारा। जैसे हम डीजल डलवा के निकले, चालू हो गई बारिश, मतलब हमारे भोले बाबा नल का चालू कर दिए। और जिस मोड़ की हम बात कर रहे थे, मारकुंडी, ये वही मोड़ है। आप बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये जन्नत है दोस्तों। रोड इतना प्यारा है, क्या बताएं, दिल खुश हो जाता है वीडियो बनाने में। और ये मंदिर है, दर्शन कर लें आप सब। एक कहानी यहाँ की है, कभी फुर्सत में आएंगे तो यहाँ का वीडियो स्पेशल बना के हम डालेंगे। और बारिश तो ऐसी हो रही है जैसे महादेव हमारे पूरा नलका खोल दिए रिमोट से, देख रहे हैं, वाइपर फुल स्पीड में भाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गिरे भाई, ये वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार है, एक तलवार में जो काटे थे पत्थर को, यही कहानी है जो हम आपको कभी आके फुल वीडियो डालेंगे। ये पार्क है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ, पार्क में वहाँ बैठते हैं लोग। छोटा भाई जा रहा है गाड़ी लेके, और इधर में पुल, मतलब इतना पुल के नीचे इतना गड्ढा है और इतना पानी है, सभी गाड़ी बैक हो रही है। तो हम जा रहे हैं यू टर्न होके, तो माता रानी की मर्जी है कि घूम के आइए, समझ गए ना, माता रानी की मर्जी है कि घूम के आइए, जरूरी नहीं है गड्ढा गुड्ढी में आप डाक के आइए, रोड बना हुआ है, तो हम बस दूसरे रोड से जा रहे हैं। सब्जी लेके आओ, भाई लोग यहाँ पे घूमो घूमो। ये वापस हम जा रहे हैं, ये हमको मिल गए हैं भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको मेरा सशक्त नमन। यहाँ से विंध्याचल माता मंदिर 1 किलोमीटर, माँ विंध्यवासिनी की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ विंध्यवासिनी की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो माँ विंध्यवासिनी
अच्छा अच्छा लिखा माँ विंध्यवासिनी। ये देखिए हम उल्टा रोड पे, मतलब यहाँ भी पुल क्रॉस करना पड़ रहा है लेकिन पानी नहीं है। जय माता दी। ओ विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन। देखिए हम पहुंच गए माता के मंदिर के पास। बस गाड़ी आगे खड़ा करना है और खड़ा करने के बाद आते हैं, सबसे पहले चलेंगे गंगा जी नहाने। तो पहले गाड़ी पार्क कर लिया जाए, यही है। जय माता दी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा एक बार। दोस्तों हम पहुंच गए पूजा स्थल पर और ये चूल्हा जल रहा है प्रसाद के लिए और ये हमारी मामी जी चूल्हा जला रही हैं और सामने येलो सूट में हमारी हमसफर और हमारी मौसी जी, हमारे मतलब पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पर पूजा में। और पूजा किस बात का वो हम आपको बताते हैं। ये हमारे भतीजा भतीजी हैं, हमारे छोटे भाई के बेटा बेटी, और गाड़ी सामने पार्क कर दिए हैं। अरे बउआ जी हैं और गंगा जी नहाने जा रहे थे तो लेकिन सब मना कर दिए, गंगा जी जाना नहीं है क्योंकि गंगा माँ बढ़ गई हैं। तो हम लोग वहीं नहा के निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ। और ये हैं हमारी मामी जी, छोटा बेटा, हमारी समधन जी हैं और छोटी बहन है, और ये हमारी हमसफर। और अब हम बात बता देते हैं आपको कि हमारी जो बिटिया रानी की शादी हुई है तो शादी करने के बाद माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि पहला कार्ड जब अपने घर ठाकुर महाराज को देने के बाद हम विंध्याचल माता को कार्ड देते हैं कि सब माता अच्छा कर दीजिएगा तो हम आपके पास दर्शन करने के लिए आएंगे, मतलब कढ़ाई चढ़ाने के लिए आएंगे। तो हम लोग आए हुए हैं और जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री किए तो सामने हमें देखे नंदी महाराज जी। ये देखे कैसे बैठे हुए हैं आराम से। तो नंदी महाराज की जय हो। हाँ आशीर्वाद ले लीजिए अपनी हमसफरों को, मैंने बोला। और आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुँच गए मंदिर के प्रांगण में। यही है दोस्तों माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर। जैसे हम पहुँचे केवाड़ बंद हो गया था तो हम सबको एक से डेढ़ घंटा तक इंतज़ार करना पड़ा। तो भाई यहाँ पे बात ये है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता है आप कुछ भी कर लो दर्शन नहीं हो पाएगा। तो पुजारी जी यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे और यहाँ सभी लाइन में लगे, हमारे बिटिया रानी, हमारे दामाद जी भी खड़े हैं। उसके डेढ़ घंटे के बाद हम लाइन चलने लगी। विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं गंगा घाट की तरफ। मासी बोल रही थी कि गंगा घाट नहीं जाना है, नहाना नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं नहाते हैं लेकिन दर्शन तो कर सकते हैं ना पहुँच के पास में। तो मैं सोचा आप सबको भी दर्शन करा देते हैं। तो हमारे दामाद जी हैं, हमारी हमसफर, मेरी बिटिया रानी और समधन जी, बच्चे सभी जाके दर्शन करेंगे गंगा माँ के, उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। जय माता दी। दोस्तों हर हर महादेव। महादेव मेरे सभी दोस्तों को खुश रखे, मस्त रखे। बस ये ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।